सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, कल हमारा यूनियन बजट 2022 पेश किया गया है, जिसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए गए हैं, और इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से हमारे लिए भी कुछ बेनिफिट वाले पॉइंट्स देखे गए हैं, जैसे कि मोबाइल और चार्जर, जो कि इस बजट के अप्लाई होने के बाद आप सभी को मोबाइल और चार्जर अच्छे खासे कम दाम में देखने को मिलने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि आप सभी को अब आईफोन्स भी सस्ते देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस, कुछ कुछ आईफोन्स अभी भी आप सभी को महंगे होने वाले हैं, मतलब कुछ आईफोन्स इस बजट के अनुसार आप सभी को सस्ते देखने को मिलने वाले हैं, और वहीं कुछ आईफोन्स आप सभी को महंगे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से आईफोन आप सभी को सस्ते मिलने वाले हैं, और वहीं कौन कौन से आईफोन्स आप सभी को महंगे देखने को मिलने वाले हैं इस बजट के आने के बाद। तो गाइस, वीडियो को पूरी देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, अगर फ्यूचर में आप आईफोन्स बाय करना चाहते हो तो। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो गाइस, इस बजट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए मोबाइल और चार्जर का सस्ता होना, उसका मोटिव ये है इंडियन गवर्नमेंट का कि जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंडिया में आके अपनी फैक्ट्री को लगाएं, यहीं अपने फोन को बनाएं और बेचें इंडिया में, जिसके वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है और इंडिया के इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी इंडिया को मदद मिलने वाली है इन सारे मैन्युफैक्चरिंग वजह से। अगर वो इंडिया में आके अपने फोन या अपने चार्जर या कुछ भी आके अपने इंडिया में बनाते हैं और बेचते हैं इंडिया में, तो आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे कि iPhone 11, तो iPhone 11 अब इंडिया में बनता है, तो लेकिन उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इंडिया में नहीं बनते हैं, वो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आप सभी को कहीं चाइना या USA इन सभी जगह से यहां इंडिया पे लाया जाता है, मतलब और वही इम्पोर्ट किया जाता है। सो गाइस, जो पार्ट्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो अब कम हो जाएगी, और वहीं आप सभी को इंडिया में लाके जब वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब सारे पार्ट्स को अलग अलग जगह से लाके इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मतलब एक आईफोन 11 बनाते हैं तो वो आईफोन मेड इंडिया कहलाता है, जिसके वजह से आप सभी को उसपे कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है, जो किसके वजह से हमें वो सस्ता देखने को मिलता है। और जो है जो फोन कम्प्लीटली इम्पोर्ट किए जाते हैं उसमें हैवी कस्टम ड्यूटी देखने को मिलती है, जिसके वजह से हमें वो ज्यादा महंगा देखने को मिलते हैं वो फोन। सो गाइस, ये तो रही हमारे यूनियन बजट का मोटिव कि क्यों मोबाइल और चार्जर आप सभी को सस्ते देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आप सभी को कौन से आईफोन सस्ते देखने को मिलने वाले हैं, और वही कौन से आईफोन आप सभी को महंगा देखने को मिलने वाला है इस बजट के आने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 11, जो कि मेड इन इंडिया है, जिसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल किया जाता है, जिसके वजह से आप सभी को आईफोन 11 और भी सस्ते देखने को मिल सकते हैं। वहीं आईफोन SE, ये भी आप सभी को मेड इन इंडिया है, जिसको इंडिया में ही बनाया जाता है, इंडिया में असेंबल करके इंडिया में बेचा जाता है, जिसके वजह से इसकी भी प्राइसिंग आप सभी को सस्ती देखने को मिल सकती है। और वहीं इसमें आप सभी को आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी मेड इन इंडिया है, इसमें भी आप सभी को अच्छी खासी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये सारे फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल किए जाते हैं, जिसकी वजह से आप सभी को इन सभी आईफोन्स में अच्छी खासी प्राइस ड्रॉप देखने को तो डेफिनेटली मिलने वाली है। वहीं बात करते हैं आईफोन 13 और 13 मिनी की, तो आप सभी को आईफोन 13 और 13 मिनी भी आप सभी को कुछ दिन बाद मेड इन इंडिया ही देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप सभी को और भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाले हैं आईफोन 13 पे। ऑलरेडी आईफोन 13 आप सभी को 65,000 to 69,000 तक देखने को मिल गया यूनिकॉर्न, इमेजिन इन सभी वेबसाइट पे, इंक्लूडिंग कार्ड डिस्काउंट जो कि ICICI कोटक वगैरह लगा के आप सबको ये प्राइसिंग देखने को मिली थी। लेकिन जब ये यूनियन बजट सामने आया है और अब मेड इन इंडिया आईफोन 13 भी होने वाला है, तो आप सभी को ये सारे फोन सस्ते देखने को मिलने वाले हैं। और वहीं बात करते हैं अब कौन से आईफोन आप सभी को महंगे मिलने वाले हैं, तो आप सभी को जितने भी प्रो मॉडल्स वाले फोन होने वाले हैं, जैसे कि आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 13 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये जितने भी फोन हैं, क्योंकि ये फोन इंडिया में ना तो असेंबल होते हैं ना तो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ये डायरेक्ट बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसपे आप सभी को हैवी कस्टम ड्यूटी देखने को मिलता है, जिसके वजह से आप सभी को जितने भी प्रो मॉडल्स होते हैं उनमें आप सभी को अच्छी खासी प्राइस देखने को मिलती है, जो कि अगर कंपेयर करा जाए नॉन प्रो मॉडल से और वही प्रो मॉडल से, तो आपको सभी को जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है, और एटलीस्ट आप लोग 30,000 to 40,000 का फर्क देखने को मिलता है नॉन प्रो मॉडल और प्रो मॉडल के प्राइस डिफरेंस में। सो गाइस, यही कारण है कि आप सभी को प्रो मॉडल्स के जितने भी फोन होने वाले हैं वो आप सभी को महंगे देखने को मिलते वाले हैं। सो गाइस, ये थी कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए कि कौन सा आईफोन सस्ते होने वाले हैं, कौन से आईफोन महंगे होने वाले हैं। आई होप आप सभी को सारा डाउट्स क्लियर हो चुका कि आप सभी कौन से आईफोन महंगे और कौन से आईफोन सस्ते होने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।